फ्लो. सी इफ यू टेक अ मेटल, लास्ट क्लास वी स्टॉप हियर. इफ यू टेक अ मेटल 1 मीटर क्यूब में 10^28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. 1 मीटर क्यूब में 10^28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. कितना है वो? वो अनंत ही है, वो अनंत ही है. एक मेटल क्यूब, एक मेटल में, मेटल में कंडक्टर, मेटल मतलब कंडक्टर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है. बट इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि ये लोग रैंडम मोशन में है. मतलब ये ऐसा है कंडक्टर, ये कंडक्टर लिया. एक्चुअली आई एम ड्रॉइंग अ सिलेंड्रिकल ट्यूब बट कंडक्टर है. एक कंडक्टर लिया, एक ऐसा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है. रैंडम मतलब उनका कोई दिशा विशा नहीं है, वो रैंडम मोशन में है. ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स 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 रैंडम मोशन में है. हाँ, ये मोशन क्यों है? क्योंकि इनके पास थर्मल एनर्जी है. दिमाग में क्लियर कर दे कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी खास आया, थर्मल एनर्जी सराउंडिंग का, थर्मल एनर्जी सराउंडिंग का, थर्मल एनर्जी सराउंडिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है. बट इनका कोई चैनलाइजेशन नहीं है. चैनलाइजेशन मतलब कोई एक फिक्स्ड जरिया, डायरेक्शन, कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस, ये है ऐसा, ऐसा है फ्लो. अब मैं क्या करूंगा? हाँ, अगर एज पर इफ यू गो बाय दिस नॉर्मल टिपिकल मेथड, इसका मोशन है, वेलोसिटी है, मे बी एक्सेलरेशन भी आएगा. मान लेते एक्सेलरेशन कैसे आएगा, क्या आएगा मैं बताता हूं. ये इधर एक बैटरी डाला, तो ये प्लस हो गया, तो ये माइनस हो गया. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी वो अभी, एग्जांपल मैं थोड़ा सा गर्दी कम करता हूं, देख क्या आएगा, फील आएगा, देख थोड़ा थोड़ा फील आएगा, देख. हाँ, ये टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था. जैसे ही द मोमेंट यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, ये ऐसे टर्न करेगा. मतलब द मोमेंट यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फिसलेगा यानी ड्रिफ्ट करेगा. हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव के पास जाने की इच्छा रखेंगे. तो मान ले ये ऐसा जा रहा था, देख कुछ भी नहीं, बैटरी नहीं था, मैं अपनी राह पे चला, जल रहा था. जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये ऐसा जा रहा था. समझ रहे तो? नहीं समझा. ये प्लस डालने पर अचानक ये ड्रिफ्ट होने लगे, एंड इट पोजेसेस अ वेलोसिटी. द वेलोसिटी पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. द वेलोसिटी पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बोल कॉन्सेप्ट गया. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब पिक्चर में आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई. करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट, जब इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होगा. अगर एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, तो अपने अपने डायरेक्शन में जाएंगे. वो वाले वेलोसिटी को क्या बोलेगा जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है? थर्मल वेलोसिटी. उस वाले को बोलेगा थर्मल, क्योंकि सराउंडिंग से हीट लिया, इसलिए थर्मल वेलोसिटी. बट अभी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हाँ, तो थोड़ा सा हम और टेक्निकल में जाते हैं. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं इसके डब्बे के अंदर डालता हूं. एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज गिवन बाय मास, F = ma.
बट एफ इज वॉट ई क्यू एफ इज वॉट ई क्यू बाय एन करेक्ट तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया ई बट क्यू इज वॉट इलेक्ट्रॉन क्यू इज इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन है इधर चार्ज चार्ज इलेक्ट्रॉन है सो क्यू इज ई बाय एम हाईएस्ट बार ये फॉर्मूला यूज करेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ई बाय ये भूलना नहीं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ई बाय एम बट एक्सेलरेशन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है नाइनस्टाइन वाला एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम हाँ तो मैं इसको क्या बोलूंगा ये वेलोसिटी को मैं बोलूंगा वेलोसिटी ड्रिफ्ट वाला और टाइम को मैं बुलाऊंगा टाओ आई रिपीट टाइम को मैं बुलाऊंगा टाओ टाइम को मैं बुलाऊंगा टाओ टाओ इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम स्पेलिंग देख टाओ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम मेरे को स्पेलिंग रॉन्ग लग रहा है करेक्ट हाँ टाओ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम ये रिलैक्सेशन टाइम बोले तो क्या है ना ये रिलैक्सेशन टाइम बोले तो क्या अब जब ये लोग ड्रिफ्ट करेंगे जब ये लोग ड्रिफ्ट करेंगे तो ये क्या ये एक दूसरे जब ये ड्रिफ्ट करेंगे तो क्या ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे हाँ जब ये ड्रिफ्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे होल्ड ऑन वन मिनट हाँ हाँ जब ये ड्रिफ्ट करेंगे ऐसा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था करके इसके साथ डैश मारा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है देख तू इधर है मैं फील आता हूं ये इधर है ये तीनों इलेक्ट्रॉन है अभी ये इलेक्ट्रॉन ये मेजर हमारा इंपॉर्टेंट ये है ये इलेक्ट्रॉन जाके डैश मारा जैसा ही डैश मारा तू स्टॉपवॉच स्टार्ट किया जैसे ही डैश मारा तू स्टॉपवॉच स्टार्ट किया ये जाके फिर इधर मारा इसका टाइम और इसके बीच का टाइम के गैप को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम और एक बार ये इधर जाके डैश मारा जैसे ही डैश मारा स्टॉपवॉच स्टार्ट किया और फिर ये इधर गया ये किधर तो गया ये किधर तो गया ये किधर तो गया गया ये गया ये जाके डैश मारने के बाद ये ऐसा डैश मारा जैसे दूसरी बार डैश मारा स्टॉप वॉच स्टॉप किया तो टाइम नोट किया उस टाइम को बोला गया रिलैक्सेशन टाइम सो इफ यू गो बाय टिपिकल डेफिनेशन द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इट इज एवरेज टाइम सी हर एक अलग हुआ ना इसीलिए एवरेज लिए हर एक के लिए तो अलग अलग कोई टाइम होगा एवरी इलेक्ट्रॉन का बहुत होगा तो इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन व्हाट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन और उसको बोला गया रिलैक्सेशन टाइम टाइम को बोला गया टाउ तो क्या एक्सेलरेशन को वीडियो वन टाउ डालो टाइम के बदले टाउ डालो ठीक है बोल इधर तक सबको गया हाँ या ना तो बोल ऑल क्लियर तो बेसिक चीजें क्या क्या जानी हमने क्या क्या हमने क्या क्या जानी सर सक्सेसिव कोलिजन मींस मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा था ट्वेल्थ में आके मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा था सॉरी ओके इट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ये तरह हो गया अब अभी मैं आगे खत्म नहीं हुआ हूं तो जिधर जिधर एक्सेलरेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे ये इधर गया मतलब टाइम इंटू तो इधर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखूंगा टाओ ए टाओ टाओ इज व्हाट टाइम टाइम को टाइम ही लिखेंगे एक्सेलरेशन इज व्हाट ई बाय ई बाय
तो मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज टाओ ई बी बाय ए, मैं इसको परमानेंटली याद रखे हो गया इधर तक। ये था मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो शांति से घूम रहा था, जैसा ही इलेक्ट्रिक और चैनल डैश मारते मारते हो इधर तक भागे, इधर तक भाग रहे हैं, वो ड्रिफ्टिंग हो गया। तो ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कब आता है, रिलैक्सेशन टाइम कब आता है, जब तेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये था कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, इतना ही है।